हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। मैं पवन वर्मा अपनी केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर सॉलिड स्टेट यूनिट, जिसका आज नेक्स्ट लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इससे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देख चुके हैं। जो लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। सेम टू जिस तरह से आपका NaCl का स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर आपका पोटेशियम क्लोराइड का होता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, पोटेशियम स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड आपका है, पोटेशियम क्लोराइड FCC सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। FCC का मतलब है कि यहाँ पे जो पोटेशियम है वो आपका कॉर्नर के साथ साथ फेस के मिडिल पॉइंट पर भी प्रेजेंट होगा, तो उसे हम बोलते हैं FCC। और जो क्लोराइड आयन होता है वो आपका एज के मिडिल पॉइंट के साथ साथ एक सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, और ये भी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दिया गया है। यहाँ पे सोडियम आयन को कॉर्नर पर और Cl को एज के साथ साथ सेंटर पर दिखाया गया है। तो ये देखते हैं एक एक पॉइंट इसका, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे जो पूछा जाता है कि पोटेशियम आयन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ फेस। पोटेशियम जो आयन होगा वो क्या होगा, क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और उसके सेंटर के फेस पर प्रेजेंट होगा, फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होगा। यानी आपका देखिए कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पॉइंट पर भी प्रेजेंट, हर एक फेस के सेंटर पॉइंट पर। Cl- आयन जो होगा आर प्रेजेंट इन द मिडिल पॉइंट ऑफ द एज एंड सेंटर ऑफ द क्यूब। और जो आपका Cl- आयन होगा एज के मिडिल पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, देख लीजिए, और एक कहाँ होगा, सेंटर में होगा। अब देखिए, अब अगर यहां से पूछा जाए कि केटायन जो आपका होगा पोटेशियम आयन, वो पैकिंग बनाएगा, और जो एनायन होगा Cl- आयन वाइड्स में होगा। तो यहां से आप देखेंगे जो K+ पर यूनिट सेल, अगर आपसे पूछा जाए K+ पर यूनिट सेल कितना होगा, तो K+ कहां प्रेजेंट है, आपका कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट है। तो यहां देखिए, कॉर्नर के लिए हम लोग निकालते हैं तो 8 × 1/8, मतलब 8 कॉर्नर्स है और एक एटम का 1/8 पार्ट यूनिट सेल के अंदर होता है, तो यहाँ से क्या आती है, वैल्यू 1 आती है। और फेस पर है तो फेस पर है साथ साथ, तो फेस पे क्या होगा, 6 फेसेज हैं। देखिए यहाँ से 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस और 6 फेस है, तो 6 फेस का 1/2 मतलब 1/2 भाग आता है, तो यहाँ से वैल्यू 3 आएगी। टोटल कितने एटम आएंगे, 4 एटम। यानी पोटेशियम जो होगा पर यूनिट सेल कितना आएगा, 4 एटम होगा। आगे देखते हैं हम लोग Cl- पर यूनिट सेल, अगर आप निकालते हैं तो Cl- आपका क्या है, एज पर है, और एज कितनी होती है, 12, और वहां पे 1/4 पार्ट ही किसी भी एटम का यूनिट सेल के अंदर होता है, यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और एक कहाँ, एज के साथ साथ बॉडी सेंटर पे है, तो बॉडी सेंटर पे क्या होगी, 1 सेंटर होता है और 1 एटम पूरा पूरा क्या होगा, बॉडी के अंदर होगा, तो यहाँ वैल्यू आएगी 1। टोटल कितने आएंगे, 4 एटम। तो 4 एटम आपके क्लोरीन के हो गए और 4 एटम आपके पोटेशियम आयन के हो गए। के सी एल पर यूनिट सेल कितने आ जाएंगे, 4 एटम हो जाएगा। ईच पोटेशियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स एंड इब्री क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 पोटेशियम आयन। जिस तरह से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का 6 होता है, उसी तरह से के सी एल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप के सी एल क्या होगा, 6:6 AB टाइप के क्रिस्टल होते हैं, यानी क्रिस्टल होते हैं। K प्लस एंड सी एल माइनस बोथ आर आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। के प्लस सी एल माइनस क्या है, दोनों आयंस है और हम कैसे इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन दोनों में होगा एंड ऑलमोस्ट सेम साइज, और साइज भी लगभग क्या होगी इसकी, सेम होगी। यहां से देखिए, व्हेन एक्स रे डिफ्रैक्शन PD एंटी कैथोड आर अलाउड टू इंसिडेंट ऑफ के सी एल क्रिस्टल देन द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। यहां से अगर इस पर क्या डाल जाए, PD का एंटी कैथोड
आर अलाउड, एक्सरे डाला जाए, इंसिडेंट किया जाए, तो केसीएल का जो स्ट्रक्चर होगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन जो होगा फ्रॉम प्लेन, तो फर्स्ट प्लेन को हम 0 0 1 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो डिफ्रैक्शन एंगल होगा वो 5.28 डिग्री होगा, और सेकंड प्लेन का 1 1 0 होता है, इसका जो डिफ्रैक्शन होगा 7.61 डिग्री होगा, और थर्ड प्लेन जो होता है 1 1 1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो थर्ड प्लेन के लिए जो रिफ्लेक्शन है 9.38 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर ब्रैग्स लॉ से यहाँ से हम देखें, तो ब्रैग्स लॉ इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे से, जो लोग नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। हम लोग देखे थे कि डी इक्वल टू आया था रिलेशन एन लैम्डा अपॉन टू साइन थीटा, जहाँ डी क्या था, डिस्टेंस था दो प्लेन के बीच का, एन क्या था, नंबर ऑफ प्लेन्स थी, और ए क्या था, लैम्डा वेवलेंथ था, साइन थीटा क्या था, एंगल था। तो यहाँ से एन इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट डिफ्रैक्शन कह रहा है, और लैम्डा इज सेम होगा सभी के लिए, वेवलेंथ सेम होगा, तो यहाँ से जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस आएगा थ्री मेन प्लेन्स, उसे हम प्रेजेंट करेंगे डी 100, सेकंड के लिए डी 110, और थर्ड के लिए डी 11, तो यहाँ से मान रख देंगे, और अगर सॉल्व करेंगे तो आपको जो आएगा 1:0.74:0.575 आएगा। तो यहाँ से आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान वे में आपको बताया गया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।